गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, डेट है जिसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी पोएम अ हाउस एंड अ होम कंटिन्यू करेंगे। आपने पोएम की रीडिंग करी अ हाउस अ होम, तो आपको इसे कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ अ हाउस डैश, फिर आपको देखा है एंड वुड डैट्स हार्ट, तो आपको ये पोएम को कंप्लीट करना है। तो आप इसे करेंगे, फर्स्ट में आपका व्हाट इज़ अ हाउस, इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ट, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स ईव्स एंड चिमनी एंड टाइल एंड फ्लोर एंड स्टुको द एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। तो ये आपकी पोएम हो जाएगी, आप इसे फिल कर लेंगे। जहाँ पे मैंने 1-2 मार्क रखा है आप वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे। आगे आपका हो जाएगा सेकंड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और करेक्ट बॉक्स में लिखना है, यानी स्पून आपका किस में आएगा, बेडरूम में आएगा, किचन में आएगा, बाथरूम में आएगा, बेड, टेबल, टूथपेस्ट, ब्लैंकेट, सोप, बाउल, टॉवल, पिल्लो, नाइफ, कॉम, फॉक, शीट, टूथब्रश, फॉक, केटल, चेयर, प्लेन, मिरर, जार, ओवन, सिंक, फ्रिज, शावर, कुकर, शैम्पू, टेलीविजन, टोस्टर। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं वो किस में आएंगे, तो बेडरूम में कौन कौन से आएंगे आप लिखेंगे, बेड, टेबल, ब्लैंकेट, पिल्लो, शीट, चेयर, टेलीविज़न, ये आपके बेडरूम में आ जाएंगे। किचन में हम देखते हैं, किचन में हमारे आ जाएंगे स्पून, बाउल, नाइफ, फॉक, केटल, प्लेट, जार, ओवन, फ्रिज, कुकर, टोस्टर और सिंक, ये हमारे बाथरूम बेड किचन में आ जाएंगे। और बाथरूम में हमारे आ जाएंगे टूथपेस्ट, सोप, टावल, कॉम, टूथब्रश, मिरर, शावर, शैम्पू, ये सब हमारे बाथरूम में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, राइट 2 सेंटेंस अबाउट हाउस, यानी हाउस पे आपको 2 सेंटेंस बताने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, यानी ये ईंटों से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, और इसमें टाइल है, फ्लोर है, यानी इसमें टाइल है, फ्लोर है, यानी हम जिस पे चलते हैं, छत है, तो ये हाउस पे 2 सेंटेंस हो जाएंगे। आपको 2 सेंटेंस अब होम पे लिखने हैं, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। तो हाउस में, होम में क्या होता है, होम में एक लविंग फैमिली होती है, एक दूसरे की लोग केयर करते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो और हमारे ब्रदर एंड सिस्टर यानी हमारे सिबलिंग होते हैं। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर आपको 2 सेंटेंस ही बता रखे थे। तो ये आपकी बहुत आसान से आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।